नई सीरीज स्वाद द पैराडाइज। ये सीरीज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में रहते हुए मेरी ये फेवरेट तीन एरिया है स्वाद का, इसको हम लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कह सकते हैं। स्वाद के पैकेज में आपको लेक्स, वाटरफॉल्स, स्नोई पीक्स, ग्लेशियर्स, सब कुछ आपको वन स्टॉप शॉप में मिलता है। अभी मैं फिज़ागढ़ रुका हूँ। फिज़ागढ़ मिंगोरा सिटी का एक इलाका है जो कि शहर से थोड़ा बाहर है। यही इलाका यूज़ होता है इस मज़ीद ट्रैवलिंग के लिए। यहाँ से हम मालम जब्बा भी जा सकते हैं, यहीं से हम वाइट पैलेस भी जा सकते हैं, सैदुल शरीफ भी जा सकते हैं, और यहीं से हम मदीन बहरीन से होते हुए कलाम भी जा सकते हैं। आज हम अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करें अपना प्लान फिज़ागढ़ से, और पहले मैं जा रहा हूँ मालम जब्बा। मालम जब्बा के बाद हम कलाम रोड पकड़ेंगे, मदीन बहरीन, महूडन, खटखड़ी, गबराल, जो कुछ भी है उसमें से जितनी चीज़ें पॉसिबल हैं हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्लान। आज का प्लान है हमारा मालम जब्बा जाने का। आपको पता है पाकिस्तान का बड़ा फेमस रिजॉर्ट है, 12 महीने ये चलता है। यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाए तो यहाँ पे एक्टिविटी और भी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे जिप लाइन है, स्की रिजॉर्ट है, और इसके अलावा यहाँ का व्यू पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। और फिज़ागढ़ से ये तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर है, तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव बनती है, और सड़क भी बन चुकी है जो कि अच्छी बात है। तो मेरे साथ रहिए स्वाद द पैराडाइज सीरीज में। मिंगोरा सिटी से मालम जब्बा का कुल फासला तकरीबन 45 किलोमीटर है, जिसे तय करने में तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। हाल ही में मालम जब्बा जाने वाली सड़क तामीर कर दी गई है और अब यहां हर किस्म की गाड़ी जा सकती है। मिंगोरा सिटी से निकलते ही सड़क के दोनों अतराफ बागात का खूबसूरत सिलसिला शुरू हो जाता है। सवाद का आड़ू और जापानी फल वैसे भी पूरे पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर हैं। इस वक्त अक्टूबर का महीना है और बागों में जापानी फल का निज़ाम चल रहा है। मालम जब्बा रोड की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नहायत आरामदेह और महफूज सड़क बनाई गई है और इंशाल्लाह मुकामी लोगों को सहूलत के साथ साथ सियाहत के शोबे को भी बहुत बूस्ट मिलेगा। इस सड़क पर भी जल्द एक वीलॉग बनाऊंगा और आपको मिंगोरा सिटी से मालम जब्बा का ये सारा सफ़र दिखाऊंगा। जब्बा स्की रिजॉर्ट हम पहुंच गए हैं। तकरीबन 1.25 घंटे का सफ़र था। नहायत बेहतरीन सड़क है, हर किस्म की गाड़ी यहाँ पे आ सकती है। इसमें आपको 600 रुपये की टिकट मिलती है अगर आपने चेयर लिफ्ट यूज़ करनी है। अगर आपने कुछ भी यूज़ नहीं करना तो 200 रुपये टिकट इसकी एंट्री फीस है स्की रिजॉर्ट में एंटर होने की। और 2500 रुपये का पैकेज मिलता है जिसमें आपको जिप लाइन, चेयर लिफ्ट, वॉल क्लाइंबिंग और भी यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें सारी शामिल हैं। 2500 रुपये का पैकेज लेके आप सारी जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं वो अवेल कर सकते हैं। और खाली अगर आप वॉल क्लाइंबिंग करना चाहते हैं तो 300 रुपये आपको चार्ज करते हैं। तो टिकट मैंने ख़रीद लिया है तो बड़ा नॉन में क्या ग्रिप ऑन ट्रिप डिस्काउंट होगा, दाल निकल ग्रिप ऑन ट्रिप होएगा, कार होएगा।
ये जो आप स्की रिजॉर्ट की लोकेशन देख रहे हैं मेरे पीछे, साथ चेयरलिफ्ट भी चल रही है, यहाँ पे नवंबर से बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है और फिर ये जनवरी फरवरी तक रहती है बर्फ़, और फिर यहाँ पे इंटरनेशनल स्की फेस्टिवल होता है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन होते हैं। ये आप स्लाइड पे देख रहे हैं जापान, कोस्टा रिका, रशिया और यूरोपियन यूनियन के झंडे लगे हुए हैं। यहाँ पे पूरी दुनिया से स्की के जो शौकीन लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। ये जो आप बड़ा सा देख रहे हैं मैदान, ये बर्फ़ से ढक जाता है और फिर स्की करने वाले लोग इसके ऊपर अपने कमालात और करिश्मे दिखाते हैं। अभी हमारा प्लान ये है कि हम लोग चेयर लिफ्ट पे ऊपर जाएंगे। ऊपर चल के आपको पूरा व्यू पॉइंट मिलता है सवात वैली का इस साइड से। वैसे इस वक्त हम चार बाग में हैं, जो मालम जबा की जो पॉइंट है, ये जो तहसील है इनकी टीएम में चार बाग का लगता है। चार बाग में और भी दो चार पॉइंट हैं, लेकिन वहाँ के लिए हाइक और आपको जीप की ज़रूरत होती है। तो आज हम मालम जबा को पहले एक्सप्लोर करें। ये चेयरलिफ्ट बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है और अच्छा, बल्कि आप साइट सीइंग करते हुए जाते हैं, आपके राइट लेफ्ट जंगल है, दरख्त, पहाड़ हैं, आप उनको देखते जाते हैं और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं आपका राइट लेफ्ट का जो नज़ारा है, व्यू है जो, वो ओपन होता जाता है। मेरे ख्याल से ये तकरीबन 500 मीटर की बनती है राइड, जो मैंने उनसे पूछा है, अभी इसको मज़ीद फाइनल कन्फर्म कर लेते हैं, 500 मीटर की, और इसमें लगते हैं 12 से 15 मिनट ऊपर जाने में। अभी हमारी हाफ वे हो गई है, आधा रास्ता हमने कर लिया। और दूसरी ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो साथ साथ ये लोग वॉक भी कर रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं। अगर आपका हाइक का प्लान है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, हाइक करते हुए 15 मिनट में आप हार्डली पहुँच जाएंगे, या 20 मिनट में, बल्कि नहीं 15 मिनट में चेयर लिफ्ट पहुँचेगी, आप पहुँचेंगे तकरीबन आधे घंटे में। आपके स्टैमिने पे डिपेंड करता है, आप खुद से पैदल भी जा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे लोग, आप जस्ट एंट्री टिकट लें 200 रुपया और नारा मारें और निकल जाएं पैदल ही। लिफ्ट से उतरते ही आपको आप एक किस्म का टॉप पे आ जाते हैं, लेकिन जो इसका व्यू पॉइंट है वो मज़ीद आगे है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अब सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, पहले ये नहीं होती थी। तो सीढ़ियों से हम जो कोई 15-20 मिनट, ये लोग कह रहे हैं साढ़ा आधा घंटा समझो, तो आधा घंटा लगा के हम लोग अब ऊपर जाते हैं व्यू पॉइंट पे। और ये आप मेरे पीछे देख रहे थे जो सीढ़ियाँ थी और जो चेयर लिफ्ट थी वो होगी ख़त्म। अगर आप इस पर ना भी आना चाहें तो नीचे बेस से लेके सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर आने के लिए, आप सीढ़ियों के जरिए ऊपर भी आ सकते हैं। ये मामूली सी कोई 1800-2000 सीढ़ियाँ, आप आराम से चढ़ सकते हैं। चेयर लिफ्ट से उतरने के बाद यहाँ पे एक कैंटीन बनी हुई है, वहाँ पे वॉशरूम भी है और चाय पकौड़ा आपको मिलता है। और मज़ीद टॉप व्यू के लिए आप मज़ीद सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, ये भी थोड़ी सी हैं, 300-400 सीढ़ियाँ। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पीसी होटल है, ये पहले TDCP रिजॉर्ट होता था और फिर बाद में इसको PC ने रिजॉर्ट किया रिस्टोर। अभी प्लान ये है कि मज़ीद और ऊपर जाया जाए, मज़ीद और ऊपर, मतलब एना भी नहीं होते जिन्हें आप समझ रहे हैं, तो वहाँ पर चल के व्यू पॉइंट करेंगे, थोड़ी सी गपशप करेंगे और फिर वापस आके चाय पकौड़े का निज़ाम.com करेंगे। और वापसी का क्या करें, पैदल करें? नहीं चलो ठीक है, टोकन हमारे पास है तो यहाँ से चलते हैं। अभी हम यहाँ पर ड्रोन से टाइप भी करते हैं।
40 का ना, एक और चाहिए बकाया पैसे दे। भाई जी कोई अच्छा तरीका दे यार, तुम तो नरम है बहुत ज़्यादा। ठीक है सर, नहीं कोई नया निकाल के देंगे। हाँ जी सर्दियों में ये जगह कुछ ऐसा मंजर पेश करती है। इंशाल्लाह जनवरी में भी यहाँ आऊँगा। चेयरलिफ्ट से उतरकर मज़ीद ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अगर आप मज़ीद ऊपर जाएं तो महसूस होता है गोया आप इस इलाके की छत पर आ गए हैं। हद्दे निगाह बहुत बढ़ जाती है और सब्ज़े से घिरे पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। सुभान अल्लाह। चेयर लिफ्ट जब आपको टॉप पे उतारती है तो वहाँ पे एक कैंटीन है, वहाँ जो आपको चिप्स पकौड़े बर्गर चाय और ये कैचअप केमिकल वाला आपको मिल जाता है। और यहाँ पे अच्छी बात मुझे अब ये लग रही है कि यहाँ पे सारे सिग्नल आ रहे हैं, और टॉप पे नहीं लेकिन नीचे जहाँ से चेयर लिफ्ट स्टार्ट होती है वहाँ पे 8-10 होटल हैं हर रेंज के, 2,500 से शुरू हो रहे हैं ऑफ सीज़न में और पीसी तक यहाँ पे अवेलेबल है। और जिस पकोड़े पे मैंने ये कैचअप गिरा लिया ना, वो पकोड़ा बेसिकली ज़ाया हो गया, खाने वाला नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बताऊँ इसमें सबसे अहम बात, एडी भी अहम नहीं है, छाट दो शुक्र अल्लाह का, 180 रुपये की प्लेट है पकोड़े की और चिप्स की, शायद मुझे नहीं आइडिया वो भी इतनी की होगी, वो भी 180 की है। तो नाश्ता नहीं किया हुआ था, यही नाश्ता है। अभी नीचे चलते हैं और नीचे चल के एपिसोड को रैप करते हैं। सहूलियात का अगर जायज़ा लें तो मालम जब्बा में 2500 से 25,000 तक की रेंज के कमरे दस्तियाब हैं। और सेलुलर कवरेज को देखें तो यहाँ तमाम मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल आते हैं। मिंगोरा सिटी से 4,000 से 5,000 तक की कार आपको मिल जाती है जो आपको मालम जब्बा का ट्रिप करा सकती है। और दूसरी एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे हाइकिंग, जिप लाइन, चेयर लिफ्ट, जंपिंग कैसल जैसी तमाम इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। मालम जब्बा का ट्रिप मेरा ख़त्म हो गया, अभी हम चेयर लिफ्ट से बैठ के नीचे आ गए हैं कि फैमिलीज के लिए ये बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है और बड़ा अच्छा पॉइंट बना हुआ है पिकनिक का। और अगर आप यहाँ पे आते हैं आप यहाँ पे रात भी रुक सकते हैं। जो लोग मिंगोरा में रात रुक रहे हैं अगर उनमें उनका है प्लान तो वो 1.5 घंटा मज़ीद ट्रैवल करके यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर आके रात रुक जाएँ। यहाँ पर प्री बुकिंग की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर होटल मौजूद हैं तो आप कोई भी होटल अपने बजट के अकॉर्डिंगली देख के ले सकते हैं। ग्रिपन ट्रिप का मेरा सफ़र जारी है और सवाद पैराडाइज सीरीज में आज का ये मेरा पहला एपिसोड था।
मालम जबा से अब ब्रिपोन ट्रिप का सफर वादिय कलाम में दाखिल होने वाला है, जहां हम वजून टॉप, कलाम फॉरेस्ट, महुडंड झील और ब्लू वाटर जाने वाले हैं। मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप जाना चाहते हैं इर्तुगुल गाजी के मज़ार पर तो यहां क्लिक करें, और अगर मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। ब्रिपोन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।